अगर ये पूछा जाए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में कौन जाएगा, तो हर फ़िरक़े वाला अपने आप को जन्नती कहता है और दूसरे फ़िरक़े वाले को जहन्नमी करार देता है। और हम लोग भी कंफ्यूज हैं कि आखिर जन्नत में कौन जाएगा, सही गलत का पता ही नहीं चल पा रहा है। यही सवाल आज हम अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मालूम करते हैं कि या रसूलल्लाह, आप बताएं जन्नत में कौन जाएगा। 1400 साल पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा क्लीन, साफ सुथरा जवाब हमें दे दिया कि देखो, जन्नत में ये मेरे साथ होगा। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि जन्नत में मुझे हुजूर का साथ नसीब हो। जो लोग झंडे लगा रहे हैं उनकी भी ख्वाहिश ये है, जो झंडे नहीं लगा रहे हैं उनकी भी ख्वाहिश ये है। सबकी ख्वाहिश ये है कि हुजूर का साथ जन्नत में नसीब हो। हम हुजूर से मालूम करते हैं कि या रसूलल्लाह, आप बताएं। तो हुजूर ने हमें बताया, हदीस में आपको सुनाने जा रहा हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़कद अहब्बनी, कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी, और जिसने मुझसे मोहब्बत की, का नमाई फिल जन्ना, तो वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो हुजूर ने तरीक़ा बता दिया कि देखो, जन्नत में कौन होगा? जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा तो वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा तो वो जन्नत में मेरे साथ होगा। मामला बिल्कुल साफ़ हो गया। यहाँ हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि बरेलवी होगा वो जन्नत में होगा मेरे साथ, देवबंदी होगा वो होगा, अहले हदीस होगा वो होगा। नहीं, हुजूर ने फरमाया कि जो मेरी सुन्नतों पर अमल करने वाला होगा। लेकिन अजीब व गरीब बात यह है कि हर फ़िरक़े वाला दूसरे फ़िरक़े वाले को जहन्नमी कहता है और अपने आप को जन्नती कहता है। अजीब सूरत हाल है, बिल्कुल सियासत जैसा ग्राउंड बन चुका है मुसलमानों का। जैसे सियासत में होता है कि एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी वाले के लोगों को बुरा कहता है, दूसरी पार्टी के लोग कितना ही अच्छा काम कर रहे हों, सेम यही सूरत हाल ऐसी हमारी हो चुकी है। फिर सामने वाली पार्टी का आदमी अगर इस पार्टी में आ जाए तो फिर वो कितना ही बुरा हो, इस पार्टी में आके वो अच्छा हो जाता है। या आप सब देखते हैं, हमारी सियासत में यही होता है। सेम यही कंडीशन आज दीन की बन चुकी है। हर फिरक़े वाला दूसरे फिरक़े वाले को बुरा कहता है, फिर दूसरे फिरक़े का आदमी कितना ही सुन्नतों पर अमल करने वाला हो, कितना ही दीन पर अमल करने वाला हो, कितनी ही अल्लाह के रास्ते में वो कुर्बानियाँ दे रहा हो, लेकिन अपने फिरक़े का आदमी कितना ही बुरा हो, कितना ही शराबी हो, कितना ही कबाबी हो, वो उसकी उनकी नज़रों में जन्नती होता है। लेकिन हुजूर ने साफ़ फरमा दिया कि जो मेरी सुन्नतें से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा तो वो जन्नत में मेरे साथ होगा। यहाँ मैं तमाम मुसलमानों को बता देना चाहता हूँ, मेरे अजीज़ भाइयों, हमारे नबी यहाँ कह सकते थे कि बरेलवी होगा तो वो जन्नत में साथ होगा, देवबंदी होगा वो जन्नत में साथ होगा। हुजूर ने फरमाया जो मेरी सुन्नतों से मोहब्बत करेगा। बरेलवी हो, सुन्नतों पर अमल करने वाला है, हुजूर के साथ होगा। देवबंदी हो, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने वाला है, वो हुजूर के साथ होगा। इसी तरह से एक दूसरी हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी पूरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी सिवाय उन लोगों के जो इनकार कर दें। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, जन्नत में जाने से कौन इनकार कर सकता है? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की तो वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा, वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की तो वो जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएगा। अब हम ज़रा अपनी ज़ात में गौर करके देखें, क्या हम हुजूर की सुन्नतों से मोहब्बत करते हैं? आज एक गैर मुस्लिम को, एक मुस्लिम को बराबर में खड़ा कर दिया जाए और एक बच्चे से पूछा जाए कि बेटा बताओ इसमें से मुसलमान कौन है, तो एक गैर मुस्लिम में और मुस्लिम में कोई फ़र्क नहीं है जिसकी वजह से आप ये कह सकें कि ये मुसलमान है। लिबास भी हमारा सुन्नत के ख़िलाफ़ है, हमारे बाल के स्टाइल भी सुन्नत के ख़िलाफ़ है, हमारा खाना भी सुन्नत के ख़िलाफ़ है, हमारा पीना भी सुन्नत के ख़िलाफ़ है, हमारी मस्जिदें वीरान हैं। रबीउल अव्वल का मौका आता है, मस्जिद हमारी वीरान पड़ी होती हैं, फिर हम कहते हैं कि हम हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हुजूर से मोहब्बत तो ये होती है कि सहाबा इकराम के जैसी, कि सहाबा इकराम का खाना हुजूर के तरीक़े पर था, सहाबा इकराम का पीना हुजूर के तरीक़े पर था, सहाबा इकराम का चलना हुजूर के तरीक़े पर था। हमारी सूरत हाल ये है कि आज हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, आज हमें नमाज़ याद नहीं है, आज मुसलमानों को कलमा याद नहीं है, और हम इस बात पर झगड़ रहे हैं कि साहब झंडे लगाना नहीं लगाना, जुलूस में जाना कि नहीं जाना। जुलूस में जाने वाले ये समझ रहे हैं कि हम जन्नती हैं, जुलूस में नहीं जा रहे हैं वो समझ रहे हैं हम जन्नती हैं। मैंने आपको हुजूर की हदीस बता दी कि जन्नत में हुजूर के साथ वो होगा जो हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने वाला होगा।
अब हम खुद गौर कर लें। और मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, कौन है आज? आपने कभी देखा है, कभी देखा है कि इस बात पर मुसलमान झगड़ रहे हों कि यार हमारे घर में सुन्नतें नहीं जिंदा हो पा रही हैं, यार हमारे मोहल्ले में इतने बेनमाजी हैं, यार हमारे मोहल्ले की मस्जिदें आबाद नहीं हो रही हैं, यार आज मुसलमानों को कलमा याद नहीं है? इस पर कभी झगड़ते हुए नहीं देखा होगा? आज अफसोस की बात है कि मुसलमान झगड़ रहा है तो झंडों पर, मुसलमान झगड़ रहा है तो 30 और 40वें पर, मुसलमान झगड़ रहा तो फातिहा पर। भाई सुन्नतों पर झगड़ रहे होते, तुम हुजूर के तरीक़ों को ज़िंदा करने के लिए झगड़ रहे होते तो खुशी भी होती कि भाई मुसलमान फ़िक्रमंद है। सूरत हाल कुछ यूँ है कि आज फ़िरक़ों के नाम पर हमें लड़ाया जा रहा है, आज फ़िरक़ों के नाम पर हमारे अंदर तोड़ पैदा किया जा रहा है, हमें सुन्नतों से दूर करके नए नए तरीक़े दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इसको करो इसको करो। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में वो होगा जो हुजूर की सुन्नतों से मोहब्बत करने वाला होगा। बस मेरी ये दरख्वास्त है, मेरी ये दरख्वास्त है कि आज हम जो एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं कि ये हुजूर की सुन्नत है, आज हम गाली गलौच बात बात पर करते हैं कि ये हुजूर की सुन्नत है, आज हम पल पल में झूठ बोलते हैं कि ये हुजूर की सुन्नत है, मस्जिदें हमारी खाली पड़ी हैं, क्या हम हुजूर के साथ जन्नत में दाखिल हो सकते हैं? इन तमाम बातों पर गौर करिए। और जो मैंने हदीस आपके सामने पेश की है, ये मेरा जवाब नहीं है, आका का जवाब है। आका ने फरमा दिया कि जो सुन्नत से मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ होगा। तो हम सबको चाहिए, हम सबको चाहिए कि फ़िरक़े वारियत से उठ कर, हट कर, फ़िरक़े वारियत से ऊपर जाके हम सब सुन्नतों पर अमल करने की कोशिश करें और फ़िरक़े वारियत, फ़िरक़े फ़िरक़े का जो गेम है इसे बंद करें और ख़ुदा के लिए इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ कायम करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।